है साचे मुठा का पाडन लगे रे तुम का हाई देखा तुम माटी दे जाए तहिदर कच्चो दऊ आए किसानों जरा ध्यान दे कर सुनो समझ जाइए और छोड़ दो ये जमीन छोड़ दो क्या करेगा रे गिरा के मूत पे लगाओगे तुम्हारी साले जाते ही वही है, है? अरे इन लोगों के बीच में क्यों घुस गया हम जान रहे तू क्यों गया साले लबरा है ना तू इन औरतों के
ठाकुर साहब क्या बिगाड़ा है इन गरीबों ने जो इतनी बेरहमी से इन्हें मार रहे हो? नया खून है ना, लौंडा है साला, नया खून है, उबाल मार ही रहा है ना इसका। अरे बड़े ठाकुर, अरे बड़े ठाकुर, आप तो आ ही गए, जरा इस लौंडे से बात करो। हेलो स्टाफ, ये आ गए फूलचंद भाई साहब। फूलचंद भाई साहब ग्राम समाहदा के रहने वाले हैं, कल इनके 20-20 कोड़े और लगाए जाए किसानों के। शाला देशी गाय का बिलैती बछड़ा कौन है, कौन है? ये हमारा बेटा है। ओ तेरा बेटा है। ए लड़के, अगर जरा से भी बहादुरी दिखाई या साले ज्यादा उछला कूदा तो इस बुढ़े की खोपड़िया कहां पर गिरेगी हमें भी नहीं मालूम भाई। आखिर इन किसानों को किस लिए ये मार रहे हो? बताता हूं, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तेरी एज, तेरी उम्र यही कोई 15 वर्ष की होगी या 16 साल की, इससे ज्यादा नहीं होगा। अभी नाबालिग है इसलिए तुझे समझा रहा हूं। तो उम्र तेरी नादान है, ओ बालक नादान, और बोली अस्मत पर लगी जस अर्जुन का। और अबे छो करे बोला तू कैसी बोला ठाकुर, और दिल में हाथ आए और रात अब कहो पठा दू। दिल में तो शाला यही आता है कि मैं तुझे अभी और ऋषि वाक बोल के आता भेजो। अरुण भाई साहब, अरुण भाई साहब ग्राम सधारी खेड़ा की ओर से ये 21 रुपए भेजे जा रहे हैं, मगर भाई साहब का कहना है हरिकरण सिंह होश में आ जाओ, गरीबों पर मत अत्याचार करो, नहीं तो ताल भरा सुबेरे तुम्हारी खाते ने वो। मॉर्निंग की बात मॉर्निंग में देखा जाएगा। इधर आ रहे, वहां लड़कियों के पास कहां छिप कर बैठे, किसकी औरत किया है रे? इधर आ, इधर आ, देखिए बताओ अमन नाथ गया है कार, बहुत साला उछल रहा है ना। हाँ उछल रहा है। आप को ठाकुर कहते हैं, अरे ठाकुर के नाम पर कलंक हो तुम लोग। शाला दिमागी ललुआ, तू औरतियन का जोती चप्पल खा के साले बदतमीजी करता रही। अधवा तेरा लड़का है ना, दिमागी लाल
चल बांध दे सभी किसानों को, मैं कहता हूं फटाफट बांध दे चांदी से। राजू शाली दुनिया आगे को भागती साली बैग गेयर लगाती है, बांधे सभी को औरतों को भी बांधे। ये मोटी वाली किसकी है रतिया, जरा इधर ला इधर। ठाकुर साहब ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग, इधर आ घपड़ा ना, इधर आ इधर आ मार। और अरे सुन ठाकुर बेईमान, बेईमान है तू, कुत्ता है लोग, बेईमान है। अरे सुन ठाकुर बेईमान, और मैं ले लूं एक दिन तेरी जान। कायद धोखे से किया अंतर रहा चलाए, मौत को तू दावत कर अपनी रहा बुलाए। अरे सुन ठाकुर बेईमान, अरे सुन ठाकुर बेईमान, मने कल का छोकरा तुम्हारी जान लेने की बात करता है, मादा पर बोलता हो बिना कुछ सोचे समझे शाली सभी किसानों को मार दो, क्योंकि ना रहेगा बांश और ना ही बजेगी बांसुरी। मादा पर बोलता हूं हट जा पीछे। गोली चलाएगा तो हमको लग जाएगी पीछे पीछे। हम सोच रहे पहले बाप को मार दे कि बेटे को, बात तो एक है, पहले बेटे को मारे ना, जब बाप के सामने बेटा मरेगा तो बाप साला खुद बखुद ही टूट जाएगा। पहले तुझे मारे आए। बलकर सिंह मैडम पर बोलता हूं ठीक है, बोलता हूं साले बुढ़े को ही टपका दो, ना मारे और ना पार दो और ना पार। ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब आप ये क्या कर रहे ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब आप ये क्या कर रहे इस गरीबों पर इतना सताते हुए, क्या खता है इन्हीं को बता दीजिए, इस गरीबों पे इतना सताते हुए। जानकी तुम यहां से चली जाओ,
मैं चली जाऊं। मैं कह रहा तुम चली जाओ, जिन किसानों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हाँ चली जाऊंगी, मगर तुम्हारी ये बच्ची की सौगंध है इस किसानों को नहीं। जानकी, तुमने आज मेरी बेटी की सौगंध दी। हाँ, मेरा बड़ा बना काम खराब कर दिया। हाँ मैं कुत्ता हूँ, कभी ना हूँ, तुम्हारा खून पी लूंगा हराम जाते यहाँ से। अरे जो आंख है का हराम जाते कुत्ता ले पी ले कभी ना ले भंगा निकाल बेईमान कहीं का। अबे चुप कुत्ता लफंगा लुच्चा बेईमान। बस ठाकुरायन जानकी बस, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। ठीक है, आपने मुझे कुत्ता लुच्चा लफंगा कुछ बोला, कुत्ता कमीना कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बेईमान इन बस्ती वालों के सामने बोला, तू बेईमान है, ये बात मेरे दिल पर लग गई है। इस बस्ती में स्टील की फैक्ट्री लगेगी और जरूर लगेगी, लेकिन पहले बेईमानी से तुझे वाकिफ करा दूंगा। चले जाइए यहां से, नहीं वरना तुम्हारा वक्त छोड़ पी लूंगा। मैं कसम खाता हूं, कसम पैदा करने वाले की, अगर तुझे घर से बेघर नहीं करा दिया, गली की खाद नहीं चला दिया, टुकड़े रोटी के लिए मोहताज नहीं कर दिया, तो हमने अपनी जिंदगी में जानकी कुछ ठकुरन साहिबा बेटा, अगर आप आज वक्त पर नहीं आ जाती तो हम सभी किसानों की जान चली जाती माता, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए बेटा, क्या कहना चाहते हो? और आए माता तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? आए माता, आखिर कौन है आप जो हम किसानों की मदद करने आई है? कौन है आप बेटा? कहां से आई हो मां? आज तुम पूछना चाहते हो तो मैं आवेश लाऊंगी बेटे। हाँ माता। सुनिए बेटा, कहिए मां। और सुधोली की रहने वाली और जानकी
हमारे। कौन है आपके पति? पति हमारे आपके पति यही जो ठाकुर साहब जिनका नाम बलकरण है, बलकरण आप उनकी धर्म पत्नी है। हाँ बेटा, धन्य है माता। कितना फर्क है आप में और ठाकुर साहब में। क्यों नहीं बेटा, एक ठाकुर साहब जो गरीबों को इतना बेरहमी से मार रहे थे और एक आप जो गरीबों की मदद करती हो। हाँ बेटा, धन्य हो माता, आपने हम गरीबों की जान बचाई है। और ये गोकुल आपसे वादा करता है कि वक्त आने पर आपके लिए खून भी बहा सकता है माँ। हाँ माता, ठीक है बेटा। माँ बोलिए बेटा। अब आप जाइए, आपने हम लोगों की जान बचाई, आपके रहते हुए अब हमें कोई डरने की बात नहीं है। बेटा, अगर तुम लोगों को कोई कष्ट होता है, ये ठकुरन जान की तुम्हारे लिए जान सकती है बेटा। बोले ठकुरन साहिबा की, ठकुरन साहिबा की। पिताजी। हाँ बेटा। देखा आपने, ये ठकुरन साहिबा कितनी दयावान है। हाँ भैया। और गरीबों की मददगार भी है। हाँ बेटा, आओ चलते हैं, अब आराम से इसी अपनी फूलबाग बस्ती में रहेंगे, अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ बच्चा, डर कोई बात नहीं बेटवा। हाँ आओ चलते हैं। और भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना, अगर तुम बन न सके तो कांटे बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सके तो पूरा किसी का मत करना, उसको अगर तुम बन न सके तो कांटे बन कर मत रहना। सको इन भगवान का भी तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो, पर न सको भगवान का भी तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी बन कर जल न सके तो अंधियारा तुम मत करना, पुष्प अगर तुम बन न सके तो कांटे बन कर मत रहना, पुष्प अगर तुम बन न सके तो कांटे बन कर मत रहना। और अपने नौकर से क्या बातचीत करते हैं, आगे कहानी गौर के दिखाओ। अरे आगे ना बाबा, अरे दुआरे कुआं,
अरे अंगना बम्बा, अरे दुआरे कुआं, अरे घर मासी यार बोले हो यार। जंगल में खेतवन में बोला थी, घर में बोला ताले बुड़बा। हम कह लिए हवेलन को रहने जब तक। बेईमान हो भाई, बेईमान पहुंचे, बेईमान बोला ठाकुर आचार्य की दे, बेईमान ओ भी बस्ती वालों की शाम में जा, मेरे और जख्मों को ताजा मत कर। आकार कहीं गुस्सा आ गई तो भूल जाऊंगा कि तू मेरा नौकर है। बलकरण वहां पर अपनी औरतिया की बातों में आ गया, बेटी की सौगा दे दी, साला हथियार त्याग कर भाग गया। उसकी औरतिया कितनी औकात, इतनी औकात। शुडूल कास्ट के गरीब लोगों के समक्ष में कुत्ता, कमीना, बेईमान, न जाने कौन कौन सी गलत लैंग्वेज बोली। दिमागी लाल बलकरण सिंह वहां हथियार त्याग कर चला तो गया ही, लेकिन साला आएगा हमारी हवेली पर, काम अशुड़ी होगी कि ठाकुर कितना भी सीधा क्यों ना हो, लेकिन हसिया के नोक खातिर छवा रहा था। लेकिन आज हमारी दुश्मनी है ठाकुर और ठाकुर से होने जा रही है, और सत्य है कि लोहा ही लोहे को काटता है। आज जैसे बलकरण सिंह आए उसको तुझे शर्मिंदा करना है, करे हैं उसे सिर्फ ये बोलना, मेरा मर्द जोरू का गुलाम। इस शब्द को बार 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 रिपीट करना और इशारा शाले की तरफ करना। फिर मैं क्या करता हूं, ठाकुर हरकरण सिंह राणा की इस माइंड की जय। ओनली वन मेरा मर्द जोरू का। हेलो स्टॉप, हेलो, ये आ गए मंगल रावत। मंगल रावत ग्राम समाहता की ओर से ये हमारे कमेडियन मास्टर के लिए 11 रुपए हाथों हाथ कलम बंद भेजे गए। पाली लाग लाग धन्यवाद। मेरा